हेलो दोस्तों, अल्ट्रिक इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में वर्डप्रेस वेबसाइट में सीडीएन सेटअप कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहा हूं। सीडीएन का पूरा नाम कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। इनके सर्वर पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और इंटरनेट में फास्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सीडीएन का यूज वेबसाइट स्पीड बढ़ाने और फास्ट कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। सीडीएन सर्वर पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर होते हैं और जब कोई यूजर इंटरनेट में किसी पेज या किसी पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उसकी लोकेशन के अनुसार उसे पास वाले सर्वर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि यूजर के ब्राउजर में कंटेंट फास्ट लोड हो जाता है। सीडीएन का यूज करके हम अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ वेबसाइट को सिक्योर भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वेबसाइट में सीडीएन सेटअप कैसे करते हैं। वेबसाइट में सीडीएन सेटअप करने के लिए आज हम यूज करेंगे क्लाउडफ्लेयर सीडीएन का। तो चलिए हम चलते हैं ब्राउजर में, ओपन करते हैं क्लाउडफ्लेयर। ब्राउजर में आने के बाद अब आपको एड्रेस बार पर क्लिक करना है और यहां पे टाइप करना है cloudflare.com। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। cloudflare.com टाइप करने के बाद अब आपको इंटर पर क्लिक करना है, जिससे कि cloudflare की वेबसाइट स्क्रीन में ओपन हो जाएगी। cloudflare वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे साइन अप पर क्लिक करें। यहाँ पर अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करना है और पासवर्ड। तो यहाँ चलिए हम सबसे पहले ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। ये हो गई हमारी ईमेल आईडी। अब यहाँ पे हम एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड हमने टाइप कर दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के सभी राइट आइकॉन लग चुके हैं। तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड टाइप करने के बाद अब आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, जिससे कि क्लाउडफ्लेयर वेबसाइट में आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड सेव कर देता हूँ। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन अपनी वेबसाइट में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इस बॉक्स में एंटर योर साइट के नीचे जो बॉक्स है इसमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करना है। तो हमें यहाँ पर बिना एचटीटीपी और बिना एचटीटीपीएस के टाइप करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल rehinditrick.in। आपको इसी तरह से अपनी वेबसाइट का जो भी यूआरएल हो वह टाइप कर दीजिएगा और उसके बाद ऐड साइट पर क्लिक करें। अब यहाँ पे हमें प्लान सेलेक्ट करने को बोला जाएगा, तो आप यहाँ पे फ्री पर क्लिक करें। यदि आप कोई प्लान खरीदना चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर नहीं तो आप फ्री पर क्लिक करें और उसके बाद कंफर्म प्लान पर क्लिक करें। अब यहाँ पे हमें रिव्यू योर डीएनएस रिकॉर्ड दिखाई देगा, तो हमारी वेबसाइट का जो भी डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह है वह यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा चेंज योर नेम सर्वर। तो अब हमें अपने डोमेन में नेम सर्वर चेंज करना है। पहले से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपके डोमेन में कौन सा नेम सर्वर लगा हुआ है। यदि दिखाई दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कभी कभी दिखाई देता है, कभी कभी नहीं भी। तो अब हमें इन जो पहले से जो नेम सर्वर लगा हुआ है हमारे डोमेन में उसे चेंज करके हमें एक यह है और एक यह है, दो नेम सर्वर अपने डोमेन में पॉइंट करना होगा। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने डोमेन के पैनल में। तो चलिए हम चलते हैं बिगरॉक में। मैंने बिगरॉक से अपना डोमेन खरीदा हूँ, तो बिगरॉक के डोमेन पैनल में हम चलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अब मैं अपने बिगरॉक अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। आप भी जहाँ से आपने डोमेन खरीदे हैं वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे अपना डोमेन दिखाई दे रहा है, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारा डोमेन पैनल ओपन हो जाएगा। तो हम करते हैं अपने डोमेन नेम पर क्लिक।
अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मेरा डोमेन का पैनल है वह ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम सर्वर, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से यहाँ पे दूसरा जो नेम सर्वर है वह ऐड है। तो हमें इन नेम सर्वर को यहाँ से हटा देना है और क्लाउड फ्लेयर का जो नेम सर्वर है उसे यहाँ पे ऐड करना है। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं और यहाँ से क्लाउड फ्लेयर से सबसे पहला वाला नेम सर्वर को कॉपी करते हैं और यहाँ फर्स्ट नेम सर्वर में पेस्ट करेंगे और सेकंड नेम सर्वर को भी यहाँ से कॉपी करेंगे और सेकंड वाले में पेस्ट करना है। इतना करने के बाद अब हमें अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक करना है जिससे कि क्लाउड फ्लेयर का जो नेम सर्वर है वह हमारे डोमेन में ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अपडेट नेम सर्वर पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है द नेम सर्वर डिटेल हैव बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो इसका मतलब है कि हमने क्लाउड फ्लेयर का नेम सर्वर अपने डोमेन में ऐड कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे कट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यदि आप देखना चाहते हैं कि नेम सर्वर ठीक से ऐड हुआ है या नहीं तो आपको फिर से नेम सर्वर पर क्लिक करना है जिससे कि आपने जो अभी चेंज किए हैं वही आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से कट बटन पर फिर से क्लिक कर देना है। अब हमने क्लाउड फ्लेयर का नेम सर्वर सक्सेसफुली अपने डोमेन में ऐड कर दिए हैं। तो अब हम चलते हैं क्लाउड फ्लेयर की वेबसाइट में वापस और यहाँ पे क्लिक करते हैं डन चेक नेम सर्वर पर क्लिक। ओके, यहाँ से हमें सबसे नीचे आना है और सीधे डन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रहेंगे ओवरव्यू में। अभी हमें यहाँ पे यह एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी हमारा नेम सर्वर एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो हमें यहाँ पे रीचेक नाउ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि क्लाउड फ्लेयर CDN आपकी वेबसाइट में अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। आप इसे कृपया थोड़ी देर बाद आके चेक करें। तो अभी मैं वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ और इसका एक्टिव होने का वेट कर लेता हूँ। इसमें 2-3 घंटे लग सकते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट में CDN सेटअप किए हुए अब कुछ टाइम हो चुका है, शायद अब हो सकता है कि हमारी वेबसाइट में CDN एक्टिवेट हो चुका हो। तो चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं। तो चलते हैं हम ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद अब हम यहाँ से ओपन करते हैं cloudflare.com। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद अब आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ और हमें यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो डोमेन नेम है, जो मेरी वेबसाइट का URL वह दिखाई दे रहा है और उसके नीचे राइट का आइकॉन और एक्टिव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट में CDN सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। तो अब हमें इस URL पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, ग्रेट न्यूज़, क्लाउड फ्लेयर इज़ नाउ प्रोटेक्टिंग योर साइट। इसका मतलब है कि हमारी वेबसाइट में CDN सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। तो अब यहाँ पे आने के बाद अब हमें जाना है SSL TLS में। तो यहाँ से हमें अपनी वेबसाइट में SSL सेटअप करना है। तो यहाँ पे हमें फुल सेटअप रखना है दोस्तों। यदि यहाँ पे फ्लेक्सिबल सेट हो तो आपको फुल को सिलेक्ट रख लेना है, इसको टिक कर देना है। तो इतना करने के बाद अब हम आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है और यहाँ पे एज सर्टिफिकेट्स पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्क्रॉल करना है, नीचे आना है और यहाँ पे अलवाइज यूज़ HTTPS इस ऑप्शन को आपको इनेबल कर देना है। इतना करने के बाद आपको नीचे जाना है, बाकी के ऑप्शन को आप जैसे हैं वैसे ही छोड़ सकते हैं या फिर आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। तो अब हम ऊपर जाते हैं और यहाँ से चलते हैं स्पीड में। स्पीड में आने के बाद अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारी वेबसाइट क्लाउड फ्लेयर से 36% फास्ट हो चुकी है। तो अब हमें ऑप्टिमाइजेशन पे जाना है। स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो मिनीफाई, तो हमें इस ऑप्शन का यूज करना है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट, CSS और HTML। दोस्तों इन फीचर का यूज करने से यदि आपको लगे कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ गया है तो आप इन्हें अपने अनुसार बंद या चालू कर सकते हैं। तो हमें अभी
इनको टिक कर देना है जिससे कि यह इनेबल हो जाएंगे। तो हमें तीनों ऑप्शन इनेबल करना है और उसके बाद स्क्रॉल करना है और यहाँ पर ब्रोटली मिलेगी तो हमें इसे भी इनेबल कर देना है। उसके बाद हमें स्क्रॉल करना है और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा रॉकेट लोडर, तो हमें इस ऑप्शन को भी इनेबल कर देना है। तो दोस्तों अब हमारे वेबसाइट में CDN सेटअप सक्सेसफुली हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक न्यू प्राइवेट विंडो ओपन करनी है और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का URL टाइप करके उसे ओपन करना है और चेक करना है कि CDN सेट करने के बाद हमारी वेबसाइट ठीक से ओपन हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हम URL टाइप करते हैं। URL टाइप करने के बाद अब हम एंटर पर क्लिक करते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट ओपन हो जाना चाहिए यदि सब कुछ ठीक होगा तो। तो हम एंटर पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं मेरी वेबसाइट hindi-trick.in सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है CDN सेटअप करने के बाद भी। इसका मतलब हमने सही से अपनी वेबसाइट में CDN सेटअप कर ली है। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट में CDN सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।